तो चलो गाइज, रेडी हो जाओ एक और फेरी टेल मोमेंट के लिए, क्योंकि इस बोरे से निकलने वाली है एक ड्रेस। मैं हर बार खुद बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि मुझे खुद नहीं पता होता है क्या निकलने वाला है, और इस बार निकला है बहुत ही सुंदर सा येलो कलर का लहंगा। आप इसकी चोली देखो एक बार, एक साइड से स्लीवलेस और एक साइड से नेट की स्लीव, और लहंगा तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। फटाफट मेकअप किया जाए बिकॉज आई कांट वेट एनी मोर, मुझे जल्दी से ये पहनना है। इसकी चोली तो मुझे ऐसे परफेक्टली फिट हुई जैसे मेरा मेजरमेंट करके इसको बनाया गया है, और लहंगा इतना लाइट वेट और इतना सुंदर लग रहा था ना ये पूरा पहनने के बाद। ओके, नाउ आई एम कंफ्यूज क्या ज्वेलरी पहनी जाए। मेरे पास सच में अब ज्वेलरी की बहुत कमी हो गई, और इस आउटफिट के लिए तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं ये वाला पर्ल वाला नेकलेस का सेट पहनती हूँ, बिकॉज ये पर्ल से मैच कर रहा है जो इसकी चोली पे है। बालों का मैंने मैसी बन बना लिया था साइड पार्टीशन करके, और उसमें भी मैंने पर्ल्स वाले क्लिप्स लगा लिए थे। हाथों में मैंने पिंक बैंगल्स एड किए, एंड दिस इज माई फिनिश लुक। वैसे मुझे कहीं जाना नहीं, आई विश मुझे किसी की हल्दी वगैरह अटेंड करनी होती। मैं शूट के लिए जा रही हूँ तो मैं हील्स वहीं जाके पहनूंगी। आई एम ऑब्सेस्ड विद